आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बेंटन की बहुत ही यूनिक टॉपिक के ऊपर और वो है म्यूटेंट्स। अब ये वर्ड जितना सिंपल लगता है ये उतना है नहीं, क्योंकि बेंटन के अंदर हमें बहुत सारे म्यूटेंट्स और म्यूटेट देखने को मिले हैं। पहले यार मैं एक हल्का सा इंट्रो देता हूँ म्यूटेंट्स और म्यूटेट के बारे में। अब ये दोनों ही एक ऐसी चीज होती है जिसके अंदर मिक्सचर होता है किसी और चीज का। जैसे कि यार मैं सबसे पहले अगर म्यूटेंट्स की बात करूँ तो बचपन से उनकी जेनेटिक्स नॉर्मल लोगों से अलग होती है। अब ये चीज बेंटन की यूनिवर्स में सिर्फ ह्यूमंस में ही नहीं होता बल्कि ये एनिमल्स में भी है और एलियंस में भी है। बट हम लोग इस वीडियो में सिर्फ ह्यूमन म्यूटेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और जो म्यूटेट होते हैं अब उनका डीएनए तो पहले एकदम नॉर्मल होता है, पर कुछ टाइम बाद जब उन पे कुछ एक्सपेरिमेंट या किसी भी रीजन की वजह से वो म्यूटेट जब होते हैं तो उनका डीएनए भी चेंज हो जाता है और वो नॉर्मल ह्यूमन नहीं रहते हैं। मतलब यार बहुत ही सिंपल चीज है कि जो भी लोग म्यूटेंट है उनका डीएनए हमें बचपन से ही चेंज देखने को मिलता है और जो म्यूटेट होते हैं उनका बाद में चेंज किया जाता है। तो इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आप लोग को एक चीज बोलना चाहूंगा कि अगर आप लोग बेंटन के फैन हो और आप लोग इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब याद से कर लेना, क्योंकि यार इस चैनल पर सिर्फ हम लोग बेंटन से रिलेटेड टॉपिक की बात करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो जो भी बेंटन फैन है और इस वीडियो को लाइक एम भी स्टार्टिंग में सुन लो जो कि ये सिर्फ 800 लाइक का, तो वो भी कंप्लीट करवा देना। अब हमारी इस इंटरेस्टिंग सी वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो हमारा पहला कैरेक्टर है वो है केविन, क्योंकि यार जब भी म्यूटेंट की बात हो रही है तो उसमें सबसे पहले केविन का ही नाम लेना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से हमें पता चलता है कि म्यूटेंट भी बेंटन के यूनिवर्स में है। केविन एक म्यूटेंट ह्यूमन है जिसके पास नॉर्मल ह्यूमन से कंपेयर डिफरेंट पावर्स होते हैं, जिसको तुम स्पेशल पावर्स भी कह सकते हो, बिकॉज ये किसी भी चीजों को एब्जॉर्ब कर सकता है और उनकी पावर्स को यूज कर सकता है। और ये चीज कोई भी नॉर्मल ह्यूमन बिल्कुल भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये चीज सिर्फ केविन के पास ही है। और यार केविन ने अपने म्यूटेशन पावर को बहुत अच्छे से यूज किया और केविन की वजह से हम समझ पाए कि आखिर म्यूटेशन होता क्या है। और यार केविन के थ्रू ही हमें एक और म्यूटेटेड ह्यूमन ही बेंटन क्लासिक में देखने को मिलता है और वो उसका ही बेटा देवलिन होता है। जब यार हमें देवलिन को दिखाया गया था तब हमें पता चला था कि उसके पास भी केविन के जैसे सेम पावर्स है, वो भी यार चीजों को एब्जॉर्ब कर सकता है और उनकी पावर्स को यूज कर सकता है। तो बेंटन के यूनिवर्स के अंदर सिर्फ हमने इन्हीं दो म्यूटेंट्स को नहीं देखा बल्कि हमने बहुत सारे म्यूटेंट्स को देखा है। जैसे कि यार कूपर हो गया, ये भी यार एक म्यूटेंट ह्यूमन है अगर कंपेयर नॉर्मल ह्यूमंस के, अगर इसको भी देखोगे तो ये बहुत ज्यादा जीनियस है। अब ये थोड़ा अलग टाइप का म्यूटेंट है, जो हमने केविन को देखा था वो एक अलग टाइप का म्यूटेंट था और ये एक अलग टाइप का म्यूटेंट है। इसके पास ऐसी एबिलिटी है कि ये किसी भी चीजों को आराम से असेंबल और डिसेंबल कर सकता है। बेंटन क्लासिक के जब लास्ट में हमें जब कूपर को दिखाया था तभी हमें पता चल गया था कि ये नॉर्मल लोगों से थोड़ा यूनिक है और इस चीज को अच्छे से कंफर्म ये लोगों ने एलियन फोर्स में कर दिया। एलियन फोर्स में इसने अपनी पावर्स को बहुत ज्यादा अपग्रेड कर लिया था। पहले यार इसको कुछ भी चीज बनाने में थोड़ा टाइम लगता था, बट एलियन फोर्स हमने देखा कि ये कुछ सेकंड्स में किसी भी चीजों को बना लेता है और उसको तोड़ भी देता है, और वो धीरे धीरे अपनी पावर्स को बहुत अच्छे से यूज करने लगा था। और ये चीज हमने सीरीज के अंदर देखा भी है। और भी यार हमें बेंटन के अंदर बहुत सारे म्यूटेंट देखने को मिले, जैसे कि सर्कस फिक ट्रियो, इसके अंदर तीन मेंबर है एसिड ब्रीड फ्राइड वेक और थम्सकली, जो तीनों ये तीनों भी म्यूटेंट है। अब ये जब तीनों को दिखाया था तो इन तीनों के पास ही एक अलग एबिलिटी थी, भले ये लोग एक ही फैमिली के थे पर ये तीनों के पास अलग एबिलिटी थी और ये हमने देखा भी है सीरीज में। जैसे कि यार फ्राइड वेक हो गई, ये किसी से फाइट करती तो अपने हेयर्स का यूज करके करती थी, ये अपने हेयर का यूज करके किसी को भी डिफीट कर देती थी। इसके जो हेयर थे वो पावरफुल तो थे प्लस वो इलास्टिक जैसे भी लगते थे। और अगर मैं इसके सेकंड टीम मेंबर इसके टीम के लीडर एसिड ब्रीथ की बात करूं तो इसके पास एक अलग एबिलिटी थी, ये अपने मुंह का यूज करके एसिड फेंक सकता था और ये जब भी अपना मुंह खोलता था इसमें से एसिड के स्मोक जैसे निकलते थे। और जो इनका थर्ड पार्टनर थम्सकल, वो इजिली किसी वेटेड वाली चीजों को उठा लेता था और उनको इजिली तोड़ भी सकता था। अब ये जो तीनों ही म्यूटेंट्स हमें बेंटन के यूनिवर्स के अंदर देखने को मिले कंपेयर नॉर्मल ह्यूमंस के, तो ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। बट यार बात आ जाती है म्यूटेंट्स की तो ये मेरे को बहुत वीक लगते हैं, इनकी पावर्स भी कोई ज्यादा खास नहीं लगती। और उसके बाद हमें एग्रीगर नाम का भी एक म्यूटेंट ह्यूमन देखने को मिला था और ये हमें बेंटन अल्टीमेट एलियन में देखने को मिला था और इसके पास केविन के जैसे एब्जॉर्प्शन वाली पावर थी। अब ये जो एग्रीगर ये बचपन से ही म्यूटेट था और इसको क्रिएट लैब के अंदर किया गया था केविन के डीएनए से, और इसको तब बनाया था जब बेन 11 साल का था और उसको रोकने के लिए सर्वांटिस ने टीम बनाई थी जिस टीम के अंदर केविन था और ये सारे एमलगम किड्स थे। और जब वो लोग बेन को नहीं हरा पाते तो सर्वांटिस उनको इधर उधर छोड़ देता है और उसके बाद जो रूटर्स होते हैं वो एग्रीगर को क्रिएट करते हैं केविन के डीएनए का यूज करके। और इस रीजन की वजह से जो एग्रीगर था उसके पास केविन के जैसे एब्जॉर्प्शन वाली पावर थी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात बताऊं तो एग्रीगर की जो रियल एज है वो सिर्फ 5 इयर्स ही है, क्योंकि यार वो क्लासिक का फ्लैशबैक वाला एपिसोड था और उसके कुछ टाइम बाद बेन ने ऑमनिट्रिक्स का यूज करना छोड़ दिया था और उसी टाइम में एग्रीगर को भी क्रिएट किया गया था और इसलिए उसकी बेंटन अल्टीमेट एलियन में एज सिर्फ 5 इयर्स थी। और यार उसके बाद हमें बहुत सारे अलग अलग और म्यूटेंट्स देखने को मिले, जैसे कि गैटर बॉय हो गया, पोक्यूपाइन हो गया, और ये भी हमें बेंटन क्लासिक में देखने को मिले थे। इनको यार तब दिखाया गया था जब कुछ गुंडे इनकी मॉम को पकड़ के रखे थे, उनको यार छुड़ाने के लिए वो लोग रेसलिंग मैच में पार्टिसिपेट करते हैं जिसके प्राइज मनी से वो लोग अपनी मॉम को छुड़ा सके। और यार उसी टाइम हमने इन दोनों कैरेक्टर को देखा था जिसमें फर्स्ट था गैटर बॉय और सेकंड था पोक्यूपाइन। ये यार दोनों ब्रदर्स है और ये दोनों ही म्यूटेटेड ह्यूमंस है और इनके पास बचपन से ही एनिमल्स के जेनेटिक्स है, ह्यूमंस प्लस एनिमल इन दोनों की जेनेटिक्स इनके पास बचपन से ही है और इसलिए ये ऐसे दिखते हैं। अब मैंने इन पे थोड़ा रिसर्च किया पर मेरे को कहीं भी ऐसी न्यूज नहीं मिली जिससे इनकी मेरे को बैक स्टोरी पता चल पाए, पर यार अब क्या ही कर सकते हैं। जितना मुझे पता था मैंने आप लोग
को बता दिया। और जो हमें नेक्स्ट म्यूटेंट देखने को मिला वो था माइकल मॉर्निंग स्टार, जो कि यार एक और बहुत ही पावरफुल म्यूटेटेड ह्यूमन था। केविन के बाद और जितने म्यूटेंट है उसमें मेरे को सबसे पावरफुल माइकल ही लगता है। इसकी यार पावर्स मेरे को बहुत ही खतरनाक लगती है, बिकॉज इसके बाद दो टाइप की पावर्स है, एक तो इसके गोल्डन पावर्स है और एक है डार्क पावर, और दोनों ही पावर बहुत खतरनाक है। अब यार दोस्त याद आया कि चलो इसकी एक छोटी सी बैक स्टोरी बता दूं। दोस्त यार मेरे को ये याद आया कि इसके दो फादर थे, एक थे एलियन हाइब्रिड और एक थे नॉर्मल स्टेप फादर इसके, और जो इसकी मॉम थी वो एक नॉर्मल ह्यूमन थी, और इस रीजन की वजह से जो माइकल है उसके पास ऐसी पावर्स है। तो अब यहाँ पर हमारी ये वीडियो तो खत्म होती है, जिसके अंदर मैंने सारे ह्यूमन म्यूटेंट्स के बारे में तो बता दिया आपको। और यार अगर गलती से मैं किसी अगर ह्यूमन म्यूटेंट्स के बारे में भूल गया तो मुझे माफ कर देना, और मुझे कमेंट्स में बताना कि आखिर मैं किसके बारे में भूल गया। और अगर इस वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स आया तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा, जिसके अंदर मैं सारे म्यूटेट के बारे में बात करूंगा कि आखिर बेंटन के अंदर कितने म्यूटेट कैरेक्टर है, और लिटरली ये वीडियो उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी। इसलिए कमेंट सेक्शन में जाओ, मुझे पार्ट टू के लिए बोलो, तो मैं जल्दी से इसका पार्ट टू भी अपलोड कर दूंगा। तो यार मैं तो आप लोग से मिलने वाला हूँ अब डायरेक्ट नेक्स्ट वीडियो में, बट आप लोग मेरे इस वीडियो को देख सकते हो, क्योंकि यार इस वीडियो में मैंने बेंटन की बहुत बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट के बारे में बताया है। और अगर आप एक बेंटन फैन हो तो आप लोग को ये न्यूज के बारे में तो पता होनी चाहिए। इसलिए वीडियो पे क्लिक करो और जाओ इस वीडियो को अच्छे से देखो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।